दक्षिण आफ्रिका में 15મું ब्रिक्स सम्मेलन योजायुं जेमां प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अने चीनना राष्ट्रपति एवा जिनपिंग छे तेना बन्ने वच्चे एक टूंकी मुलाकात थई छे। आ मुलाकात में बन्ने नेताओं वच्चे शुं वातचीत थई छे, साथे साथे ब्रिक्स सम्मेलन में अन्य 6 देशों ने सभ्य पद अपायुं छे, कया कया देश ने स्थान मळ्युं छे ते जाणो आ रिपोर्ट में। ब्रिक्स समिटमां भाग लेवा जोहानिसबर्ग पहोंचेला प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदीए सर्वसंमतिथी सभ्य देशोने वधारवाना निर्णयने आवकार्यो हतो। आ तरफ हवे ब्रिक्समां 6 नवा देशोने सभ्यपद मळ्युं छे। ईरान, आर्जेंटिना, इथोपिया, इजिप्त, यूएई अने साउद अरेबियाने ब्रिक्समां सामेल करवामां आव्या छे। आ साथे ब्रिक्सने ब्रिक्स प्लસ નામ આપવામાં આવ્યું છે। दक्षिण आफ्रिकाना राष्ट्रपति रामाफोसाए जोहानिसबर्ग में चाली रहे 15મી ब्रिक्स समिट में आ जाहरात करी हती। ब्रिक्स में हाल में बी थी ब्राजील, आर थी रशिया, आई थी भारत, सी थी चीन, एस थी दक्षिण आफ्रिका शामिल हता। हवे तेमा वधु 6 देशों ना समावेश करवामां आव्यो छे, एटले के हवे ब्रिक्स में कुल 11 सभ्यो हशे। आ दरमियान पीएम मोदीए कह्युं, मने खुशी छे कि 3 दिवसनी चर्चाना घणा सकारात्मक परिणाम आव्या छे, અમે બ્રિક્સના વિસ્તરણ માટે એક મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લીધો છે। પિછલે 2 દિનોમાં બ્રિક્સ કી સભી ચર્ચાઓમાં હમને ગ્લોબલ સાઉથ કે દેશો કી પ્રાથમિકતાઓ ઓર ચિંતાઓ પર બલ દિયા હૈ। હમારા માનના હૈ કે બ્રિક્સ દ્વારા ઇન મુદ્દો પર વિશેષ મહત્વ દિયે જાના વર્તમાન સમય કી જરૂરત હૈ। हमने ब्रिक्स फोरम के विस्तार करने का भी निर्णय लिया है। हम सभी नए पार्टनर देशों का स्वागत करते हैं। ये ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस और फोरम्स को रिप्रेजेंटेटिव और इंक्लूसिव बनाने की हमारी कोशिशों की तरफ एक पहल है। आ तरफ साउथ आफ्रिकाना जोहानिसबर्गमां 15મા ब्रिक्स सम्मेलनमां पीएम मोदी अने चीनना राष्ट्रपति शी जिनपिंग वच्चे टूंकी मुलाकात थई हती। गुरुवारे नेताओनी संयुक्त प्रेस कॉन्फरेंस बाद मोदीए चीनना राष्ट्रपति जिनपिंग साथे मुलाकात करी हती। ब्रिक्स समिटना प्रथम दिवसे पण जिनपिंग ब्रिक्सना राष्ट्राध्यक्षो साथे एक ज मंच पर फ्रेममां देखाया हता, परंतु तेमणे संबोधन कर्युं नहोतुं। प्रतिनिधिओना प्रधाने तेमना वती भाग लीधो हतो। પીએમ મોદી અને ચીનના રાષ્ટ્રપતિ જિનપિંગ વચ્ચે શું વાતચીત થઈ તે હજુ સુધી સ્પષ્ટ નથી। મોદી અને જિનપિંગ 15મા બ્રિક્સ સમિટમાં ભાગ લેવા જોહાનિસબર્ગમાં છે। વાતચીત અને મુલાકાતને લઈને પહેલાથી જ અનેક અટકળો લગાવવામાં આવી રહી હતી। જિનપિંગ સપ્ટેમ્બરની શરૂઆતમાં નવી દિલ્હીમાં G20 સમિટમાં ભાગ લે તેવી પણ સંભાવના છે। બ્યુરો રિપોર્ટ, ગુજરાત ટેક। जो आपने हमारा आ वीडियो पसंद आयो हो तो लाइक और शेयर करवानो भूलता नहीं। साथ ही तमाम न्यूज़ अपडेट माटे जोता रहो गुजरात तक। नमस्कार।